जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डालेंगे नजर बेस्ट फोन्स पे जो आप 20,000 रुपए से नीचे खरीद सकते हैं आफ्टर द लॉकडाउन। और दोस्तों, अब जीएसटी के जो हाइक है, जो 12% से 18% हुई है, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट है ना, ये है गेमर्स रेडी फोन। तो आइए पता लगाते हैं दोस्तों उन फोन्स के नाम। शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हम सातवें फोन से जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M31। एंड ये दोस्तों प्राइस हाइक के बाद अब 16,000 रुपये के आसपास बिक रहा है। एंड ये फ़ोन दोस्तों अगर 15,000 रुपये से नीचे होता तब मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करता और ये लास्ट में नहीं आता। लेकिन अब क्या है ना कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में प्रोसेसर्स बहुत बढ़िया आपको मिलते हैं, मतलब स्नैपड्रैगन 730 आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सोनॉस 9611 मिलता है जो इतना बढ़िया नहीं है जितने कि और दूसरे प्रोसेसर्स हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलता है, लेकिन फिर वो दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है तो वो मिसिंग है। एंड डिस्प्ले ऑफकोर्स बढ़िया है बट फिर डिज़ाइन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बैटरी आपके पास बढ़िया है तो फिर आपको चार्जिंग स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस फ़ोन में दोस्तों कुछ चीज़ें अच्छी हैं लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए सैमसंग का अगर आपको फ़ोन खरीदना तो आप इसको खरीदने का सोच सकते हैं। एट द सेम टाइम दोस्तों एक और फ़ोन के बारे में बताना चाहता हूँ जो अगेन सैमसंग का है, सैमसंग गैलेक्सी A50s। अब प्रोसेसर वाइज दोस्तों आपको यहाँ पे वो सेम प्रोसेसर मिलता है। बैटरी ऑफकोर्स M31 से थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए अपने फ़ोन का, भाई देखने में अच्छा लगे, तब आप इसे खरीदने का सोच सकते हो। तो डिज़ाइन वाइज ये थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा स्लीक है। चार्जिंग स्पीड दोस्तों इसकी भी इतनी बढ़िया नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे सैमसंग गैलेक्सी M31 से। बट हाँ, प्राइसिंग वाइज ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो डिज़ाइन के लिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अब दोस्तों जो 6th फोन है लिस्ट में वो है रेडमी नोट 8 प्रो। एंड आई नो, मतलब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये इतना नीचे क्यों है प्राइस लिस्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों डिज़ाइन वाइज ठीक है, आपको यहाँ पे मीडियाटेक G90T मिलता है जो कि गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अब दोस्तों ये प्रोसेसर आपको रियलमी के फ़ोन में भी मिल जाता है, रियलमी 6 में, और इसी के कारण ये मैंने फ़ोन को थोड़ा सा नीचे रखा बिकॉज यहाँ पे आपको एमोलेड स्क्रीन भी नहीं मिलता है एंड उसके साथ साथ आपको हायर रिफ्रेश रेट भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको G90T चाहिए तो आप रियलमी 6 ही खरीद सकते हो जो इससे कम प्राइस रेंज का। जब हाँ, अगर आपको शाओमी का फ़ोन चाहिए जिसमें G92 हो तब आप इसे खरीदने का सोच सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फोन है वो है वीवो की तरफ से Z1X। एंड यहाँ पे क्या है कि आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर है, उसी के साथ साथ आपको एक बढ़िया डिज़ाइन मिल जाता है। ऑफ कोर्स प्लास्टिक बॉडी है लेकिन फिनिशिंग यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे आपको जो एक बैलेंस्ड फ़ोन अगर चाहे जिसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन भी मिल जाए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाए, एक अच्छा खासा प्रोसेसर भी मिल रहा है, तब आप दोस्तों इस फोन को खरीदने का सोच सकते हैं। नेक्स्ट दो फ़ोन है वो है रियलमी की तरफ से और उसमें से जो पहला फ़ोन आप खरीदने का सोच सकते हो वो है रियलमी 6 प्रो। अब ये फ़ोन दोस्तों थोड़ा सा महंगा है अगर आप इसके प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो पे नज़र डालो। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 720G मिलता है, दैट एट द सेम टाइम दोस्तों थोड़ा सा महंगा है अगर आप इसको दूसरे स्नैपड्रैगन 720 से कंपेयर करो। एंड इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग आपको 30 वॉट का देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल फ़ोन बहुत बढ़िया है। डिज़ाइन दोस्तों इसकी बहुत ही बढ़िया है, वो जो पीछे लाइटनिंग डिज़ाइन है अमेजिंग। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलता है। बट दोस्तों अब रियलमी X2 जो है फ़ोन वो आता है स्नैपड्रैगन 730 के साथ जो कि नेक्स्ट फ़ोन है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड वहाँ पे भी दोस्तों आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब ऑफकोर्स उसमें आपको हायर रिफ्रेश रेट वाला जो स्क्रीन है वो देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर आप देखो कि भाई 720 एंड 730G में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है एंड ऑन पेपर मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो इन दोनों फ़ोन्स में से आप कोई भी खरीद सकते हो अगर आपको रियलमी का फ़ोन खरीदना है। एंड बस यही देखना कि वो जो हायर रिफ्रेश रेट आपको वो चाहिए या स्नैपड्रैगन 730 चाहिए। बस इन दोनों में आपको थोड़ा सा अपने मतलब आपको देखना कि आपको क्या चाहिए, बिकॉज देखो हर एक की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो नीड होती हैं, वो अलग होती है। अब दोस्तों जो सेकेंड लास्ट फ़ोन है लिस्ट में वो है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। ये फ़ोन अभी तक मार्केट में आया नहीं है, मतलब लॉन्च हो चुका है लेकिन शिपिंग नहीं हुई है, इसके रिव्यूज़ नहीं आए हैं। देखने में दोस्तों ये एकदम रेडमी नोट 9 प्रो की तरह है लेकिन उसके अलावा ये कैसा है क्या है इसके फुल रिव्यूज़ नहीं आए। तो
इस फोन को दोस्तों मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है बिकॉज इसका जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो आपको वो जो प्रोसेसर मिल रहा है एंड उसके अलावा जो आपको और दूसरी चीज़ें मिल रही है इस फोन में वो बहुत बढ़िया है। हाँ, अब महंगा लग रहा है फ़ोन बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक एंड ऑल, बट अब तो दोस्तों सभी के प्राइस हाइक हुए हैं, राइट? तो इस फ़ोन का रिव्यू करने का मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ एंड आई नो थोड़ा सा पुराना हो गया है लेकिन अभी तक मार्केट में आया ना, तो क्रेज़ बना हुआ है ना। अब इसके बाद दोस्तों जो फाइनल फ़ोन है लिस्ट में वो है पोको X2। हैंड्स डाउन अगर आपको बेस्ट फ़ोन ख़रीदना है 20,000 रुपये से नीचे तो वो दोस्तों पोको X2 होगा आपके लिए, बिकॉज इसमें दोस्तों आपको कैमरा बहुत बढ़िया मिलता है, सोनी IMX686। इसमें आपको गूगल कैमरा का पोर्ट भी मिल जाता है। प्रोसेसर वाइज दोस्तों आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730G मिलता है। इसके अलावा आपको ग्लास बैक मिल जाएगा, आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलता है, आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, इनबॉक्स MIUI है लेकिन उसमें आपको ऑन द फेस एड्स नहीं है, ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन वगैरह है। तो एक ओवरऑल दोस्तों बैलेंस फ़ोन बनाया है इसको और इसकी प्राइसिंग अभी 1,000 रुपये ज़्यादा हो गई है लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करो तो ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। तो ये दोस्तों वो सारे के सारे फ़ोन्स थे जो आप लॉकडाउन के बाद 20,000 रुपये से नीचे खरीद सकते हैं फॉर ऑल द गेमर्स। मतलब अगर आपको गेम्स खेलना है, अगर आपको कैमरा बढ़िया चाहिए, अगर आपको प्रोसेसर बढ़िया चाहिए, सब कुछ दोस्तों आपको इस प्राइस सेगमेंट में ही मिलेगा। अब ऑफकोर्स थोड़े बहुत फ़ोन्स हैं वहाँ पे, जैसे Realme 6 हो गया है जिसमें आपको अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, बट अब मेरे हिसाब से दोस्तों 15,000 से 20,000 रुपये ही होगा अगर आपको एक बढ़िया फ़ोन लेना है जो 1.5-2 साल चले विदाउट एनी इशू। आप क्या सोचते हो इस बारे में प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लिस्टिंग आपको कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।